नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करें कि रात को सोते वक्त कान में तेल डालने से होते हैं कुछ 6 फायदे। जानिए आज कौन से ये फायदे हैं तेल डालने के। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक कान ही है, देखभाल की जरूरत बेहद ज्यादा होती है। अक्सर हम अपने हृदय, लीवर, किडनी जैसे अंगों को खास ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने संवेदनशील अंगों को भूल जाते हैं। हमारी यही गलती अक्सर हमें बाद में कई बड़ी दिक्कतें दे जाती हैं। इन्हीं में एक कान की भी समस्या है। जब भी हमारे कान में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या फिर कुछ भी होने पर हम कान को कुरेदना शुरू कर देते हैं और उसी के दौरान हम कान को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये समस्या किसी भी उम्र की व्यक्ति को हो सकती है। वहीं लगातार कान में समस्या के कारण हमें कम सुनाई देने लगता है और यह समस्या आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाती है। हमारी जरा सी अनदेखी कान में एक नई बल्कि कई तरह की विकृतियां जन्म दे सकती है। कान से पस निकलना, कान में संक्रमण होना, कान में इन्फेक्शन होना या कान में ईयर वैक्स सूख जाना, कान में खुजली, कान में मैल जमना या कम सुनाई देने जैसी समस्या कान की परेशानियों में शामिल होती है। तो दरअसल दोस्तों बात की जाए तो पुराने जमाने में से ही कान की हर समस्या दूर करने के लिए लोग कान में तेल डाल रहे हैं और एक परंपरा चली आ रही है। अगर आप कान में तेल डालने के फायदे से अनजान हैं, तो मैं बता दूं कि सोते वक्त कान में तेल डालने से क्या क्या फायदे होते हैं और उसको आप उसके बारे में जान के अनजान होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ फायदे हैं, जैसे कि सरसों के तेल डालने से। तो सरसों को तेल को हमें जो पुराने जमाने में लोग कान के अंदर जमा मैल निकालते थे तो उसके लिए सरसों का प्रयोग करते थे, सरसों का तेल का प्रयोग। बता दूं कि इस नुस्खे को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताता हूं कि इसको किस तरह बनाना है। तो आपको इस प्रयोग में लहसुन लेना है, लहसुन ज़्यादा नहीं लेना, लहसुन की एक कली लेना है। दोस्तों अभी आपको क्या करना है कि एक बर्तन जैसे छोटा सा कटोरी ले लो जो आपके घर पर पड़ा हो। तो देखो मैंने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आपको एक मैंने सिर्फ लहसुन लिया है, लहसुन में से मैंने एक कली निकाल के छील लिया और इसे कटोरी में रख लिया था। दोस्तों मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, अभी मेरे पास ये डब्बा पड़ा हुआ था। आपको प्योर सरसों का राई का तेल लेना है, कोई भी कंपनी का ले सकते हो लेकिन प्योर रहना चाहिए क्योंकि प्योर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो आपको एक चम्मच राई का तेल निकाल लेना है, तो जिस तरह मैंने वीडियो में आपको दिखाया था उसी तरह आपको एक चम्मच राई का तेल निकाल लेना है और निकाल के इस कटोरी में डाल देना था। दोस्तों फिर आपको क्या करना है कि ये मैंने एक कली लहसुन और एक चम्मच सरसों का तेल आपको सीधा गैस पे रखना है। गैस पे रख के धीमी आंच पे उसे पकाना है और उसे चुराना जब तक उसके अंदर का जो लहसुन का जो गुण होते हैं पौष्टिक गुण वो तब जब तक जाके उसमें मिल ना जाए, ठीक है। और इसको आपको हल्के हल्के चम्मच से चलाते रहना है, गैस स्टोव पे रख के और हल्के आँच में इसे पकाता है और पकाते रहना है। और लहसुन जब तक पके तब तक जब तक वो लाल हो जाए, काले हो जाए भून के, तब तक उसे पकाना है, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जब ये गर्म हो जाए तो अच्छी तरीके से तो इसको आपको कपड़ा लगा के उतारना है, इसे पकड़ना नहीं क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। अब उसको उतार के एक साइड में रख दीजिए, कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे रहने दीजिए। और आपको क्या करना है, फिर ये तेल को छान लेना है। छानने के बाद आपको इस तेल को अपने कान में यूज़ करना। तो ध्यान रखें दोस्तों कि इसको ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 1 से 2 ड्रॉप ही कान में डालना है आपको और इसे डाल के सो जाना है। सोने के बाद मतलब जो 1.5 घंटा आपको आराम करना है, कभी एक कान में डाल के फिर बाद में 1 घंटे बाद दूसरे कान में डाल लीजिए। ऐसे करने से आपको 1 या 2 दिन के बाद आपको जो ईयरबड्स आता है, ईयरबड यूज़ करके आप अपने कान में जो कचरे होते हैं कान में से कचरा भी निकाल देगा, प्लस आपके जो कान के दर्द है, कान से आपको जो थोड़ा वो सुनाई नहीं देता वो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आपको करना है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।